उपस्थित है, आप इनको देख पा रहे होंगे। इन्होंने अभी घोषणा की कि हमें आपका जो काम देखा, आप सिलेंडर के लिए बात कर रहे हैं, तो इनके पास ऐसे इंडस्ट्रियल सप्लाई के कुछ खाली सिलेंडर हैं, ये हमको उपलब्ध कराएंगे। ऐसे खाली सिलेंडर 10-20 मिल जाएंगे इनके पास। अगर किसी साथी को चाहिएगा तो अपन इसको जिला प्रशासन से भराकर देने का प्रयास करेंगे। युवा परिवार आदरणीय सुरेंद्र भैया का हृदय से आभार व्यक्त करता है। सही है, फेबीफ्लू टेबलेट अभी मिल नहीं रहा है, आप एक भी किट आपके सोर्स पे ले लो, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत मुश्किल से फेबीफ्लू मिल रही है, मतलब आप चार चक्कर लगाओगे मेडिकल पे, जब जाके वो एक देगा आपको, तो अपन उस पर भी काम करेंगे निश्चित तौर पे। अभी हम एक हमारी टीम है रतलाम में जो काम कर रही है, वो अहमदाबाद से फेवीपीर इतना अच्छा काम कर रहा है। मैं तो ईश्वर से चाहूंगी कि सब लोगों को बहुत फायदा मिले और बहुत खुशी हुई इस परिवार से जुड़ के। और ये जो आपसी ये दरमियान में मुझे भी थोड़ा इसको ब्रोशर भेजना, हमारे पति जी के उनके पास भी ऐसा शायद कुछ है, क्योंकि वो यहाँ सोशल वर्क ही कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कभी पूछ लेंगे उनके पास भी कुछ होगा तो। आप कुछ बताएं उसके बाद अपन चोपाल को ये कोई साथी बोल रहे नहीं चाहते क्या अभी? हाँ, मैंने निवेदन किया है पर मुझे लगता नहीं कोई साथी बोलना चाहता है, क्योंकि आज का विषय बड़ा सीमित है। अपने को अपने जो साधन है उनको निजी है तो निजी विषय पर ज्यादा बोल सकते हैं ना सर, एक सोशल विषय हो तो उसको बोलने में एक बार तकलीफ आती है। निजी विषय बोल रहा है अपने को कैसे काम करना, कैसे उसमें बोलने में क्या तकलीफ, सब इतने पढ़े लिखे समझदार, ये तो बता सकते हैं ना। हेलो जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है आपकी। दादा मेरा एक सुझाव ये था कि जैसे हम साधन तो उपलब्ध करवा ही रहे हैं रतलाम में सभी लोगों को जिनको जो भी जरूरत है या जो भी है, लेकिन हम रतलाम युवाओं को एक छोटा सा एक वीडियो बना करके या इस तरह से भी उसको वायरल किया जा सकता है कि मास्क को किस तरह से पहना जाए, क्योंकि आज मैं भी बैंक में आज पूरे एक साल से मैं जॉब कर रहा हूँ और वहां पे मैं तो काफी लोगों से दिन भर लोगों से मिलना जुलना होता है, लेकिन मास्क लोग जो है मास्क कैसे पहनते हैं कि उसको नाक के नीचे रखते हैं, ढंग से उसको पहनते नहीं है। तो इस जगह कितना सामान डालना है, अजवाइन नींबू अदरक उसकी एक एक पोटली बना बना के दे दो, पोटली उसमें डाल दो एक मशीन में। नींबू देना वर्तमान, नींबू नहीं दे पाएंगे वर्तमान समय में, नींबू की भी इतनी समस्या है, जैसे रेमडेसिविर इंजेक्शन हो गया और नींबू, ऑक्सीजन सिलेंडर निकला के धुला के तैयार कर दिए हैं। किसी भी साथी को चाहिएगा तो अपन यहाँ से इमरजेंसी में लेंगे और अपन SDM साहब से परमिशन लेके अपन जरूरतमंद को पहुंचाएंगे। ये क्रेन का बड़ा कारोबार है आदरणीय सुरेंद्र भैया का, माफ करना मैं उस समय पता भी नहीं था, एकदम अचानक भैया बताए, लेकिन बहुत बड़ी 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 क्रेने 150-200 टन, पता मैं तो समझता भी नहीं, इतनी बड़ी बड़ी क्रेने भैया की, एक एक दो दो पांच पांच करोड़ रुपए की मशीनें हैं इनकी। ये इन्होंने अपने को ऑक्सीजन सिलेंडर खाली देने का फैसला लिया है। अपन सुरेंद्र भैया इसको जानता हूँ मैं, नमस्ते कहना, और सुरेंद्र भैया को बना क्योंकि क्रेन की रिपेयरिंग मेंटेनेंस और पार्ट्स के लिए अपने GIG का एक नया स्टार्टअप खूब चल रहा है। सुरेंद्र दादा बोल रहा हूँ मैं। दादा नमस्ते। अरे क्या नमस्ते, कभी तो राम राम भी नहीं करता, बात नहीं करता बड़ी बड़ी। अरे नहीं नहीं, अरे बहुत बढ़िया जी, हमको तो पता है। धर्मन जी हेलो, बोलिए। मैं बिल्कुल आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपको ग्राउंड पे देख के बहुत अच्छा भी लग रहा है और थोड़ी आपकी चिंता भी हो रही है, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कृपया अपना भी ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आप कोविड में भी मास्क वास लगा के थोड़ा सा केयर करिए सर, बहुत चिंता हो रही है आपकी। डबल मास्क रखता हूँ, डबल दो मास्क के संजय दिया, लेकिन जी सर एक ये बात बोल रहा था कि ये जो अपन भाप की स्टीम मशीन जो अपन ला रहे हैं, तो वो उसके बजाय अगर घर का जो अपना बर्तन रहता है उसमें जो पानी गर्म करके उसके अंदर जो अपन सारी चीजें डालते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पर वो स्टीम वाला वो पार्ट है, लेकिन उसमें क्या है कि भाप इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है कि अपन उसको ढंग से ले नहीं पाते हैं। इससे तो अगर बाय द वे बर्तन का अपन उपयोग करें या जग वाले ढक्कन का उपयोग करें तो वो मेरे हिसाब से ज्यादा इफेक्टिव है, और ये जो पैसा अपन यहाँ जो लगा रहे हैं इसके बजाय किसी और दूसरे उसमें लगाएंगे तो मेरे हिसाब से कहीं ज्यादा अपने को फायदा मिलेगा।
क्योंकि ये जो भाप अपन ले रहे हैं प्रैक्टिकली कई लोगों के लिए वो संभव नहीं है। से नींबू का रस डलाया और मेरे को ऐसा लगा मानो मेरा सारा कफ जल गया हो और सब वो मल द्वार के रास्ते से बाहर हो गया। तो ये काफी, ये भी अच्छा उपाय है, आप एक एक दो दो नींबू का रस नाक में डाल सकते हैं। धन्यवाद। पीछे और बना रहे दादा, और भी कोई साथी कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, अच्छा सुझाव आया है दो तीन ये। हाँ, उन्होंने बताया था और ये वास्तव में बहुत कारगर माध्यम है। एक छोटा सा परमिशन मेरी तरफ से भी देना चाहूंगा, अलग की पिछली बार भी बोला था, मैं योग का टीचर नहीं हूँ लेकिन पिछले एक हफ्ते 10 दिन में मैंने एक विषय पे थोड़ा काफी अध्ययन किया है, पढ़ा है। उसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊंगा कि दादा, एक नाइट्रिक ऑक्साइड करके एक मॉलिक्यूल है। अभी इंटरेस्टिंग बात है कि जो कैडिला ने जो स्प्रे बनाया है जिसको मुंह में छिपने से आपके वायरस और बैक्टीरिया मर जाते हैं वो बेसिकली नाइट्रिक ऑक्साइड है। अब और आता है नाइट्रिक ऑक्साइड करता क्या और बनता कैसे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। नाइट्रिक ऑक्साइड को विज्ञान ने सबसे पहले 1620 में पता किया कि नाइट्रिक ऑक्साइड नाम का कोई मॉलिक्यूल है। फिर 1772 तक इसमें कुछ नहीं हुआ, 150 साल तक कुछ नहीं हुआ। बाद में उसको और जांच हुई तो पता लगा कि नाइट्रिक ऑक्साइड एक पोल्यूटेंट है, बहुत बड़ा टॉक्सिक मॉलिक्यूल जिससे बहुत बड़ा नुकसान होता है और ये ऑटोमोबाइल के धुएं से निकलता है। देखिए कितनी बड़ी बात होता है, ऑटोमोबाइल के धुएं से निकलने वाला नाइट्रिक ऑक्साइड आपको हानि पहुंचाता है और पोल्यूटेंट है। लेकिन प्राकृतिक रूप से नाइट्रिक ऑक्साइड जो पैदा होता है बॉडी के अंदर वो होता है हमिंग की आवाज से, जो कि आज के 2500 से 5000 साल पहले अपने योग गुरु पतंजलि और सब लोग बता गए कि आपको भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम या हमिंग की साउंड, ओम हो चाहे मुंह में केवल आप गले में और नाक में वाइब्रेशन हो, इस प्रकार से यदि करते हैं तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा करता है। इसके ऊपर जब आप गूगल करेंगे पढ़ेंगे तो इतने वीडियो इतना मटेरियल मिलेगा कि नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा होने से आपका बीपी कंट्रोल में आता है, शुगर कंट्रोल में आती है, आपका हार्ट की आर्टरी साफ होती है, आपके कैंसर जैसे रोग दूर होते हैं और हर प्रकार के वायरस और हर प्रकार के बैक्टीरिया को ये खत्म करता है। ये इतनी बड़ी बात है। तो ये जो हमिंग साउंड के ऊपर जितने भी वीडियो आ रहे हैं बाजार में या जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ये मैं ये तो नहीं बोल सकता हमिंग साउंड से बैक्टीरिया चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन ये ऐसा उपाय है जिसमें हमें कोई ऑरल या कोई मेडिकेशन नहीं है, मेडिकेशन का सप्लीमेंट नहीं है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। जो मरीज बैठा है वो बैठे बैठे अगर 5 मिनट हर 4-5 घंटे में हमिंग की साउंड निकाल ले तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर कुछ फायदा नहीं हुआ तो कम से कम उसका नया इन्फेक्शन नहीं होगा, इतना किया जा सकता है। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड अपने आप में बहुत बड़ा सब्सटेंस है जो बॉडी के लिए दिखा है गोपाल जी कि ये एकदम बहुत ही लाभप्रद है, अपने लीवर के लिए किडनी के लिए भी लाभप्रद है, सभी के लिए। अभी सब जानते हैं, अभी गोपाल जी लोग तो कहते हैं कि सप्ताह में एक दिन भी 15 मिनट का व्यायाम कर ले तो अपने सप्ताह भर की ऊर्जा मिलती है, पर लोग वो भी तो नहीं करते ना। मैं क्लास में के परेशान हूँ, अपने यम नियम में लिखा है कि आप 15 मिनट व्यायाम रोज करें, अभी घंटे भर अखबार पढ़ लेंगे, 3 घंटे व्हाट्सएप कर लेंगे, मोबाइल देख लेंगे, अभी टीएमसी की न्यूज देख लेंगे, कौन टीएमसी आगे बीजे, अरे अब देखो क्या करेंगे, कोई भी आगे हो जाएगा। अभी बताओ, अभी मैं देखूंगा तो क्या मेरे क्या लगते मिल जाएगा, कोरोना की समझ बढ़ाए और भाई को भगाए। अब ये ठीक है, आज अभी जब आप मौका दोगे कहीं 5-10 मिनट का मैं बोलूंगा, पर आपने अच्छी बात बोली, 5 मिनट का 2 मिनट का हमने व्यायाम भी बहुत है, 2 मिनट का भी आप चालू करें दादा, बताएं। तो मेरा कहने का मतलब ये कि ये भी आप भ्रामरी व्यायाम तो दादा ऐसा है जिसमें एक्सरसाइज भी नहीं रहे, आप बाथरूम में गए, हैंडल जितने गए वहां आप भ्रामरी कर सकते हो, यार कौन रोक रहा है आपको, कौन सा टाइम चाहिए आपको, आप टीवी देख रहे हो तो भ्रामरी कर सकते हो, आप रात को सोते टाइम भ्रामरी कर सकते हो, इसका कोई नियम कानून थोड़ी, आप कहीं भी कर सकते हो। कोई एक्सरसाइज करना हो तो आपको समझ में आएगा, आप 400 लोगों को कोरोना फैलने से रोकेंगे ना, बिल्कुल। अरे वो 400 कोरोना फैलाएंगे वो, अगर आप तो आप कुछ नहीं कर पाओ तो अपने 4 घर वालों को तो बाड़म बांध के रखो यार, बाकी छोड़ो ना आप। आज तक नहीं आई ये दवाई, है ही नहीं इसकी, ये वायरस इम्यूनिटी की बीमारी है। अगर आपने इम्यूनिटी मजबूत रखी है, आपने अपने दरवाजे बंद रखे तो कोई कारण नहीं है कि आपको परेशानी हो, आप इम्यूनिटी मजबूत रखेंगे दिक्कत नहीं आएगी। अपने पास धर्मेंद्र सर ने कल 2 वाक्य डाले हैं, निपुल सर ने डाले हैं कि 85 साल की महिला ने जब उसका 60% कोरोना का अपना ये लंग का इन्फेक्शन हो गया
और डॉक्टर का उम्मीद नहीं है, तो उस महिला ने डॉक्टर को ये बोला कि अगले जन्मदिन पे मेरे आना, ये आपका आत्मविश्वास होना चाहिए। वो महिला घर पे है, और एक दूसरी महिला है जिसको कहा गया कि तुम्हारा 95% गुर्दे खराब है, तुम घर चले जाओ। उसने कहा मैंने ये केवल सुना है कि 5% खराब है, 95% नहीं है। तो ये आत्मविश्वास की बात है। तो कहने का मतलब ये कि ये लड़ाई जो है ना हमारी, ज्यादा लड़ाई इम्यूनिटी की है, ये वायरस और इम्यूनिटी की है, मानसिकता और इम्यूनिटी की है। ये लड़ाई दवाई और मानसिकता की, दवाई और वायरस की तो है ही नहीं। दवाई किधर है, किसी पास दवाई तो है ही, दवाई तो है नहीं। हाँ तो ये इम्यूनिटी लड़ाई है। ऐसे ऐसे घर मिल रहे हैं जहाँ पे 10 लोग परिवार में रहते हैं, 8 लोगों को वायरस हो गया है, 2 लोग जो 60 साल के, 65 साल के, 70 साल के, उनको नहीं हुआ, ऐसे भी लोग हैं। तो ये कारण यही है कि जिसकी इम्यूनिटी मजबूत है, जो इन चीजों को समझ पा रहा है, जो बुखरा सर बोल के गए, जो चोपड़ा सर बोल के गए, जो दादा बार बार बोल रहे हैं, जो अपन बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेज है उसमें।